मॉर्निंग। चलो याद है आप लोग, हम लोग ने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मैंने आपको सिक्स लेसन सप्तवासरा मतलब 7 डेज ऑफ द वीक पढ़ाया था, और साथ ही साथ चैप्टर 7 जो कि शीर्षक जिसका था करोति, वो भी पढ़ाया था हमने। आपको पता है ये करोति का मतलब क्या होता है? मैंने तो खैर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब मैं अब आपके सामने वो वर्कबुक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं सोचती एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। चलो तो उसका ऋतु के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग उसके वर्कबुक सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सप्तवासरा के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कबुक ऑफ चैप्टर 6 सप्तवासरा मीन्स 7 डेज ऑफ अ वीक। ओके तो बेटा, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी मैं कोई वीडियो सेंड कर रही हूँ तो आप क्या करो कि ध्यान से उसको सुना करो, क्योंकि वर्कबुक पे सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। मैं वर्कबुक करते जाऊँ और आप समझो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना? आप जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, है ना? इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाती हूँ कि प्लीज़ पहले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखो, समझो, जो लर्न करने बोला जाए वो लर्न करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। और अभी आप संस्कृत से जस्ट इंट्रोड्यूस हुए हो, है ना? तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, और सब्जेक्ट के कंपेयर में यू नीड मोर लेबर इन दिस सब्जेक्ट। ओके चलो अभी मैं आपको अब आगे बढ़ती हूँ। हाँ, और मैंने ये भी बताया था कि सप्तवासरा में पहले तो आप सप्ताह के 7ों दिन के नाम याद कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि आप दिन का पर्यायवाची शब्द वासर होता आपको पता है ना? तो अब क्या करना है कि सप्ताह के जितने दिन हैं, जितने भी दिन हैं, उनके नाम आप हिंदी में बोलो। उसके बाद क्या करो कि उसमें विसर्ग लगा दो, वासर लिख कर विसर्ग लगा दो, बस वो सप्ताह के 7ों दिनों के नाम बन जाएंगे। अब देखो, जैसे सबसे फर्स्ट पहला डे कौन सा होता है? फर्स्ट डे हो गया मंडे, हिंदी में बोलते हो आप सोमवार, तब क्या बोलोगे? सोमवासरह, बस वासर लिख कर विसर्ग लगा दो, सोमवासरह। देन कम्स ट्यूजडे, हाँ तो ट्यूजडे को हिंदी में बोलते हैं मंगलवार, तो आपको क्या करना है? मंगलवासरा। देन कम वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को आप लिखोगे बुधवार बोलते हो ना, तो बुधवासरा। ओके उसके बाद आप बोलते आता है थर्सडे, तो आप हिंदी में उसको गुरुवार बोलते हो, तो संस्कृत में हो जाएगा गुरुवासरा। ओके देन कम्स फ्राइडे, हाँ तो फ्राइडे को आप संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हो? शुक्रवार, तो संस्कृत में क्या लिखोगे? शुक्रवासरा। ओके देन कम सैटरडे, और सैटरडे को आप हिंदी में बोलते हो शनिवार, शनिवार को संस्कृत में क्या बोलोगे? शनिवासरा। उसके बाद सबसे लास्ट डे होता है जो संडे, जो आपका वीकेंड होता है, उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? रविवार। तो बस आप संस्कृत में क्या बोलोगे? रविवासरा। ठीक है, और सप्ताह के ये जो 7ों दिन हैं वो क्या है? एक परिवार है दिन के, ये जितने भी डेज हैं क्या है? सब परिवार हैं के सप्ताह के दिनों के। अब देखो यहाँ भी दिया, इन दिस चैप्टर एन इंट्रोडक्शन टू द नेम्स ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक हैज़ बीन गिवेन। ओके द स्टूडेंट शुड यूज़ दिस नेम अलॉन्ग विथ वर्ड लाइक टूडे, टुमोरो एंड यस्टरडे। हाँ देखो, बस आप थ्री वर्ड्स लर्न कर लोगे ना, आप सारा वर्कबुक सॉल्व कर लोगे। वो क्या है? सबसे पहला है, देखो सबसे पहला ये देखो, अदे। अदे मीन्स होता है टुडे। आपने टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बस अदे समझना प्रेजेंट टेंस, ठीक है, स्व समझना फ्यूचर टेंस, एंड हया समझना पास्ट टेंस। बस अदे मंथ, अदे मतलब हो गया टुडे, स्व मतलब हो गया यस्टरडे, एंड हया मतलब हो गया यस्टरडे, सॉरी देखो आदि मतलब टुडे, स्व मतलब टुमारो, एंड हया मतलब यस्टरडे। टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो एलोंग विथ वर्ड्स लाइक टुडे, टुडे को हो गया आदि, स्व मतलब हो गया टुमारो, एंड हया मतलब हो गया यस्टरडे। सिर्फ ये 3 वर्ड्स लर्न करना। अगर आज कोई दिन है तो आप बोलोगे अद्य, जैसे सपोज आज शुक्रवार है तो आप बोलोगे अद्य शुक्रवासर। स्व मतलब कल क्या होगा, टुमारो कौन सा होगा, जैसे आज फ्राइडे है तो टुमारो विल बी सैटरडे, तो आप लिखोगे स्व शनिवासर। अब हिया मीन्स जो बीत गया कल, मतलब यस्टरडे कौन सा डे था, ठीक है, तो बीता हुआ कौन था,
आज हो गया आपका सपोज आप शुक्रवार जो भी बोलो उससे पहले का दिन एक बता देना, वो हो जाएगा आपका यस्टरडे। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना टुडे टुमारो एंड यस्टरडे, बस वही है अद्य स्वा एंड है। ओके, अब चलो हम लोग अपना वाक्य को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं तो उसमें छोटा बना दूँ। फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। ओके, आप पहले भी कर चुके हो, जो करेक्ट आंसर है यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द ब्रैकेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अद्य शनिवासर स्व कह वासर। अब देखो अद्य, तो मैंने आपको बताया है कि अद्य मतलब टुडे होता है, तो टुडे इज सैटरडे। ओके, टुडे इज सैटरडे, तो ये पूछ रहा है कि स्व कह वासर, स्व मीन्स होता है टुमारो। तो मैं अगर आपसे इंग्लिश में पूछूँ इफ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो विल बी विच डे, तो आप बोलोगे ना आज अगर मैम इफ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो विल बी संडे, बोलोगे ना। बस यही संस्कृत में लिखना है कि अद्य शनिवासर स्व रविवासर, तो आप सी में ब्रैकेट में लिख दोगे, यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। ओके, फिर बताती हूँ, देखो अद्य शनिवासर मीन्स टुडे इज सैटरडे, स्व का वासर मीन्स टुमारो विल बी विच डे, इफ टुडे इज सैटरडे देन ऑफकोर्स टुमारो विल बी संडे, तो यू हैव टू राइट रविवासर मीन्स सी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, अद्य गुरुवासर है का वासर, अद्य गुरुवासर स्व का वासर। ठीक है, अब मीन्स देखो अद्य गुरुवासर मीन्स टुडे इज थर्सडे, टुडे इज थर्सडे मीन्स क्या होगा कि यस्टरडे वॉज विच डे, तो आप बोलोगे कि इफ टुडे इज थर्सडे थर्सडे देन यस्टरडे वॉज ऑफकोर्स वेडनसडे, है ना, तो आप यहाँ बुधवासर में टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व शनिवासर, स्व मीन्स टुमारो विल बी सैटरडे है या का वासर, मतलब कल अगर सैटरडे होगा तो बोलता है कि है या का वासर, अगर टुमारो सैटरडे है मीन्स टुडे इज फ्राइडे, और जो बीत गया वो मीन्स यस्टरडे कौन सा होगा बताओ, अब बताओ ऑफकोर्स फ्राइडे शुक्रवार, है ना। चल नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ स्वा इज, मैंने आपको बताया है स्वा मीन्स होता है टुमारो, तो आप यहाँ लिख दोगे टुमारो, द मीनिंग ऑफ स्वा इज टुमारो। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, आई नो यू नो कि देयर आर 7 days इन अ वीक, तो यू हैव टू राइट डी इन ब्रैकेट। ओके, द मीनिंग ऑफ अद्य इज, तो अद्य मीन्स क्या होता है, अद्य मीन्स टुडे, देन यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। वाट इज द मीनिंग ऑफ हया, हया मीन्स क्या हुआ, यस्टरडे, है ना, तो यू हैव टू राइट डी इन ब्रैकेट। वाट द मीनिंग ऑफ वासर, वासर मीन्स होता है डे, देन यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। राइट द वर्ड फ्राइडे इन संस्कृत, आई टोल्ड यू यू हैव टू राइट ओनली हिंदी नेम ऑफ डेज एंड एड वासर ओनली, देन फ्राइडे इन हिंदी इज शुक्रवार, देन यू हैव टू राइट शुक्रवासर ओनली। ओके, सी नंबर शुक्रवासर। ओके, नेक्स्ट, अद्य रविवार है का वासर, इफ टुडे इज संडे देन यस्टरडे वॉज ऑफकोर्स सैटरडे, आप लिखोगे शनिवासर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व रविवार मीन्स टुमारो विल बी संडे, अद्य शनिवासर, टुडे इज सैटरडे एंड हेयर इफ टुडे इज सैटरडे मीन्स हेयर इज फ्राइडे, देन यू हैव टू राइट शुक्रवासर। ओके, नेक्स्ट, स्व शुक्रवासर मीन्स टुमारो विल बी फ्राइडे, अद्य मीन्स टुडे, इफ टुमारो विल बी फ्राइडे इट मीन्स टुडे इज थर्सडे। ओके, अद्य बुधवासर, इफ टुडे इज वेडनेसडे, राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में लिखना है बस, अद्य बुधवासर मीन्स टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज वेडनेसडे, यू हैव टू राइट ओनली टुडे इज वेडनेसडे मीन्स सी। ओके, नेक्स्ट,
स्व कह वासरा। राइट द सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको बताना है कि स्व मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला है टुमारो, तो टुमारो कौन सा डे है, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कैसे लिखोगे, लिखोगे विच इज़ द डे टुमारो, विच इज़ द डे टुमारो। देखो सेंटेंस अरेंजमेंट आप पे है ना, बस आप समझो और सही भी लिखो, समझो और ठीक करो सही। हिया कह वासरा, हिया मीन्स होता है यस्टरडे। राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ। विच डे वॉज इट यस्टरडे, आप ध्यान रखना, आपको तो पता है ना अगर यहाँ टुमारो की बात हो रही है तो आप विल लिखोगे, अगर यस्टरडे की बात हो रही है तो आप वॉज लिखोगे, आपने तो टेंस पढ़ा ही होगा है ना। नेक्स्ट देखिए, एक बार मैं आपको फिर से ये सारा एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट का ये छूट जाता हूँ क्या, एक मिनट बेटा थोड़ा छोटा कर दो, मेरा हो गया ना, एक मिनट। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से, मैं एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो अद्य शनिवासरा स्व का वासरा मीन्स टुडे, इफ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो विल बी ऑफ कोर्स संडे, तो यू हैव टू राइट रविवासरा, इट मीन्स सी। अद्य गुरुवासरा हेय का वासरा, ए नंबर बुधवार, ओके। इफ टुडे इज थर्सडे देन ऑफ कोर्स यस्टरडे वाज वेडनेसडे, है ना। स्व शनिवासरा हेय का वासरा, इफ टुमारो विल बी सैटरडे देन यस्टरडे वाज, तो अब क्या लिखोगे, फ्राइडे शुक्रवासरा। द मीनिंग ऑफ स्व इज टुमारो, ओके। आपको ये रट्टा कर लेना है, एकदम रन कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। स्व मीन्स टुमारो, हेय मीन्स यस्टरडे, एंड अदे मीन्स आज, ओके। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7 डेज इन अ वीक। द मीनिंग ऑफ अदे इज टुडे, देन यू हैव टू राइट सी। वाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेय, आई टोल्ड यू यस्टरडे, देन यू हैव टू राइट डी इन ब्रैकेट। वाट इज़ द मीनिंग, वासरा मीन्स होता है डे, देन यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। राइट द वर्ड फ्राइडे इन संस्कृत, शुक्रवासरा है ना। नेक्स्ट अद्य रविवासरा हेय का वासरा, इफ टुडे इज संडे देन यस्टरडे वॉज ऑफकोर्स सैटरडे, यू हैव टू राइट ए शनिवासरा। स्व रविवासरा अद्य शनिवासरा हेय, इफ लिसन, इफ टुमारो विल बी संडे, टुडे इज सैटरडे, हेय मीन्स यस्टरडे वॉज, बताओ है यस्टरडे वॉज गुरुवासरा। स्व शुक्रवासरा आद्य, इफ टुमारो विल बी फ्राइडे देन टुडे इज, बताओ ऑफकोर्स थर्सडे, गुरुवासरा। आद्य बुधवासरा, राइट द सेंटेंस इन इंग्लिश, टुडे इज वेडनेसडे, यू हैव राइट ओनली दिस लाइन, ओके। चलो नेक्स्ट स्व का वासरा, राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। बस आपको स्व का वासरा, स्व मीन्स क्या हुआ, कल कौन सा दिन होगा है ना, आने वाला कल है ना, तो आप क्या लिखोगे, विच इज़ द डे टुमारो। नेक्स्ट हेय का वासरा, राइट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आप लिखोगे विच डे वॉज इट सैटरडे, है ना। यहाँ पास्ट टेंस हो रहा है तो वॉज होगा, अगर फ्यूचर टेंस होता तो विल होता, यू नो ना। नेक्स्ट देखो, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में देना है, वन सेंटेंस में। स्व का वासरा है, वो पूछ रहा है कि इसको आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, आंसर क्या दोगे। आपसे अगर कोई पूछे कि कल कौन सा दिन होगा, तो आप देखो ये तो मैंने वीडियो जब बनाया उसके मुताबिक लिखा है, आप जब लिखना हो आप अपने मुताबिक लिखोगे। मेरे अनुसार स्व मीन्स टुमारो विल बी फ्राइडे, क्योंकि मैंने आपके लिए ये वीडियो थर्सडे को बनाया है, तो आपके पास जाएगा तो ये फ्राइडे। उसी के आधार पे बोलेगा कि हेय का वासरा, तो मैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है बुधवार। आप अपने मुताबिक कोई भी दिन लिख सकते हो, ओके। अगर आज शुक्रवार है, अगर आज शुक्रवार है तो अब जो बीता हुआ कल वो कौन सा होगा, ऑफकोर्स बृहस्पतिवार, आप अपने मुताबिक लिख देना, ओके। नेक्स्ट आद्य मंगलवार तहिर स्व का वासरा, इफ टुडे इज ट्यूजडे। आपको इसको क्या करना है, सिर्फ संस्कृत में लिखते जाना है, ठीक है। देखो इसको सेंटेंस का
आंसर इज फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आज कल मंगलवार है, तहिर स्व का वासरा। देखो इफ टुडे इज ट्यूजडे देन टुमारो विल बी, ऑफकोर्स आप क्या होगा बताओ, बुधवार होगा ना, तो आप लिखोगे बुधवासरा। अध्य का वासरा तो अध्य गुरु वासरा, आप जो भी लिख सकते हो जो दिन हो। हेयर रवि वासरा तहिर अध्य का वासरा। देखो इफ यस्टरडे वॉज संडे देन टुडे इज ऑफकोर्स सोमवासरा, है ना। आफ्टर संडे विच डे विल कम मंडे, विच इज द डेट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इंटू संस्कृत। अब यहाँ पे आपको आंसर नहीं देना है, जो भी संस्कृत में सेंटेंसेस लिखे हुए ना, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ऑनली। ओके, विच इज द डे टूडे, तो आप टूडे के लिए क्या लिखोगे, अध्य लिखोगे। डे के लिए क्या लिखोगे, वास्त्र लिखोगे। कौन सा के लिए क्या लिखोगे, क, तो अध्य क वास्त्र। नेक्स्ट है देखो, टुडे इज ट्यूजडे, हाँ टुडे इज ट्यूजडे, तब क्या लिखोगे, अध्य मंगल वासरा। नेक्स्ट है यस्टरडे वॉज मंडे, हाँ तो हया सोम वासरा। दिस इज द फैमिली ऑफ द डेज, तो आप लिखोगे एतत वारा नाम परिवार। मतलब ये क्या है कि जितने सप्ताह के दिन है वे सब क्या है, फैमिली है ना, तो आप लिखोगे एतत वारा नाम परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज इट टुमारो, तो आप क्या लिखोगे, डे के लिए टुमारो के लिए स्व लिखोगे, कौन सा दिन के लिए का लिखोगे, दिन के लिए वासरा लिखोगे, तो लिखोगे स्व कह वासरा। ओके, नेक्स्ट टुडे इज द ट्यूजडे एंड टुमारो विल बी वेडनेसडे, अब कैसे लिखोगे, टुडे के लिए क्या लिखोगे, अध्य लिखोगे। ट्यूजडे के लिए क्या लिखोगे, मंगल वासरा। टुमारो के लिए लिखोगे स्व, और बुधवार वेडनेसडे के लिए लिखोगे बुधवासरा। हो गया कंप्लीट। द फर्स्ट डे इज मंडे मीन्स प्रथमोवार सोमवासरा, फर्स्ट डे को क्या लिखोगे, प्रथमोवार सोमवासरा। ओके चलो, यहाँ पे बेटा आपका क्या है कि जो वो लेसन का कंप्लीट हुआ है ना, सप्तवासरा का वर्कबुक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, सिर्फ आप अध्य हया और स्व जान लोगे तो आपके से ये वर्कबुक एकदम इजीली हो जाएगा, इसमें और कुछ है ही नहीं। ओके चलो नेक्स्ट, अब हम लोग करोति यानी सेवन लेसन का वर्कबुक करने जा रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे आप इंग्लिश में भर्व पा रहे होगे कि डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड भर्व, सेम इन संस्कृत जो भी आप काम करते हो, यू आर डूइंग एनीथिंग, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, सोते हो, पहनते हो, यू आर राइटिंग, यू आर रीडिंग, यू आर डांसिंग, यू आर कुकिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, दैट्स ऑल इज कॉल्ड भर्व और करोति। ओके मीन्स डज, करोति मीन्स डज, ही और सी, whatever is done by he or she is called does. Okay, the word showing the action done is known as verb. Okay, देखो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, students are required to understand verb and use them in their routine conversation. In this chapter quite a few Sanskrit verbs and noun which can be correctly used as subject with each have given. When the noun and the verbs come together is complete sentences is formed. अब देखो, अब जब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना कि काम जो भी करे, वर्क इज डन बाई होम इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम करता है वाट एवर ही डज और डन इज कॉल्ड वर्ब, है ना। तो कोई अगर कोई काम हो रहा है तो वो वर्ब हो गया, अगर कोई करने वाला है, जो वर्क इज डन बाई होम इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ही शी एनी वन। ओके अब लिसन केयरफुली, जिस तरह आप इंग्लिश में ही शी इट अलग अलग यूज करते हो, बॉय के लिए ही यूज करते हो, गर्ल के लिए शी यूज करते हो, है ना, और क्या होता है नॉन लिविंग के लिए इट यूज करते हो ना, सेम एज यूजल संस्कृत में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट यानी बॉय गर्ल और वो नॉन लिविंग थिंग के लिए अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कहीं बॉय हो तो आप ईशा यूज करोगे, मैंने पहले भी बताया ना कि संस्कृत में अगर कोई पुल्लिंग हो, मेल हो, तो हम लोग क्या करते हैं विषय का यूज करते हैं,
जबकि गर्ल के लिए आ के आ का मात्रा दे देते हैं तो वही गर्ल का हो जाता है। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो ए तत् यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बस वही है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार क्या करोगे, वर्ब यूज करोगे। बॉय के लिए एशा यूज करोगे, गर्ल के लिए एशा यूज करोगे, और नॉन लिविंग थिंग के लिए तत यूज भी कर सकते हो, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, तत आएगा। बस आप इतना ख्याल रखना कि गर्ल के लिए क्या यूज करो, बॉय के लिए क्या यूज करो, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करो। बाकी आपके क्या होंगे, भाव तो एज यूजल रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, जैसे कि इंग्लिश में आप लर्न किए होगे रीडिंग, डांसिंग, प्लेइंग, कुकिंग, वैसे ही आपको संस्कृत के भी ये सारे वर्ड्स क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे। यू हैव टू लर्न ऑल दिस वर्ब है ना इन संस्कृत, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे दिया, खेलती, क्रीडती मीन्स प्लेज, पढ़ती मतलब रीड्स, लिखती मतलब राइट्स, गायती मतलब सिंग्स, पीबती मतलब ड्रिंक्स, चरती चलती मीन्स वॉक्स, वदती मीन्स स्पीक, हंसती मीन्स लाफ्स, नामती मीन्स बोज, पश्यती मीन्स सीज, अटती भ्रमती मीन्स रोमांस, इधर उधर भटकते हैं ना उसको, नृत्यती मीन्स डांसेस, ये देखो, विशति या प्रविशति मीन्स इंटर्स, जब कोई अंदर प्रवेश करता है ना तो विशति या फिर प्रविशति बोलते हैं, उपविशति मतलब सीट से बैठने को क्या बोलते हैं, उपवसति, तिष्ठति हिसी, तिष्ठति मीन्स होता है ही सीट स्टैंड्स है ना, फिर पतति मीन्स होता है फॉल्स, उत्पतति मीन्स होता है जम्प्स अप, रोदति या क्रंदति मतलब होता है वीप्स, तारयति मीन्स हीट्स किसी को मारना, उत्तिष्ठति मीन्स होता है गेटअप, उड्यति या उड्यति मीन्स होता है प्योर फॉर्म ऑफ फ्लाइज, श्रीनोति या श्रवती मीन्स होता है लिसेंस। तो बेटा आपको ये सारे वर्ब के नेम लर्न करने पड़ेंगे, एकदम ईजी है, आप एक बार लर्न करोगे ना हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। देखो मैंने तो कितने दिनों तक नहीं पढ़ा था, लेकिन ये सब मुझे अभी तक याद है। अब आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना, मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता, मुझे सब पता है, ये सब इतना ईजी है। जिस तरह आप इंग्लिश में बाय हार्ट लर्न किए हो ना, बस वैसे ही संस्कृत में भी कोई मन से पढ़ोगे ना, बाय हार्ट लर्न करोगे, तब कुछ भी कर पाओगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सम नाउन, जैसे कि सचिन, वेदांत, विवेक, कपिल, मयूर, नरेश, महेश, प्रवीण, प्रफुल्ल, हर्षद, दीज आर मैस्कुलिन नेम्स। आपको पता नहीं कि ये सब क्या है, पुलिंग है, मैस्कुलिन नेम्स है ना, माला, मीरा, दिव्या, रमा, लता, सरला, मीना, हंसा, शीला, मनीषा, रजनी, कावेरी, दीज आर क्या है, फेमिनिन वर्ड्स, ओके स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, पुस्तकम, विमानम, कमलम, पुष्पम, फलम, छत्रम, चक्रम, व्हील, दीज आर न्यूट्रल जेंडर है ना नेम्स, मैंने बताया ना ये न्यूट्रल जेंडर या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके आप देखो तो याद रखना कि जितने मैस्कुलिन नाम आएंगे सबके आगे आप एशा लगाओगे, जितने गर्ल यानी फेमिनिन होंगे उसके आगे आप ऐशा लगाओगे, और जो न्यूट्रल जेंडर होंगे उसमें आप तत लगाओगे। ओके बस इतने ही याद रखना है आपको। आप देखो ईसा सचिना, फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड राइट। अब सचिन जो मैस्कुलिन है तो अब उसके लिए क्या लिखोगे, मैंने बताया ना कि जो भी मैस्कुलिन जेंडर हो उसके लिए हम लोग ईशा विसर्ग देते हैं पुलिंग के लिए, तो यहाँ पे आप ए लिखोगे ईशा, यू हैव टू राइट ईशा फॉर सचिन बिकॉज ही इज़ ए मैस्कुलिन जेंडर और पुलिंग। ओके नेक्स्ट मीरा, मीरा इज फेमिनिन है ना, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, मीरा के जो फैमिली है तो उसके लिए क्या लिखोगे, आप ये गर्ल है ना तो उसके लिए आप लिखोगे। यहाँ पर तो बेटा सिर्फ वर्ब बनाना है, तो आप कोई भी आप बुक में देखो मीरा क्या कर रही है, तो आप देखोगे कि मीरा गाना गा रही है ना, मीरा सिंग्स, तो आप लिखोगे मीरा गायती। ओके क्या लिखोगे, मीरा गायती। नेक्स्ट है राधिका जलम पीबती, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट। आपको पता है ना नाउन क्या है, व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी थिंग, पर्सन, प्लेस और अ थिंग है ना, तो आप क्या लिखोगे, राधिका क्या है, ये नाउन है ना, इसमें से नाउन चुनना हो तो आप क्या लिखोगे, राधिका लिखोगे। याद रखना कि कोई भी नेमिंग वर्ड्स चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, या गर्ल का, बॉय का हो, सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, राधिका लिख दोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी इज करेक्ट, अब बताओ, दिव्या एक गर्ल है, तो मैंने क्या बताया है,
गर्ल के साथ हमेशा ऐसा लगाते हैं, जिस तरह बॉय के साथ ऐसा लगाते हैं गर्ल के साथ ऐसा लगाते हैं। तो बी नंबर में ऐसा दिव्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे बी नंबर लिख दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी और डी इज करेक्ट। विमानम खेलती, विमानम पढ़ती, विमानम लिखती, विमानम उड़ती। तो मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है ना कि विमानम उड़ती तो विमान क्या करेगा उड़ेगा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। तो आप लिखोगे डी नंबर। पश्यति मीन्स होता है शी इज लुकिंग, देखना, तो आप लिखोगे बी। तो ये तो आप लर्न करके ही समझ पाओगे ना कि पश्यति का मतलब चीज होता है, देखना होता है ना। छिपति मीन्स होता है थ्रो, ये भी वीडियो में है ना, तो इस छिपति का मतलब होता है थ्रोज। सुरेंद्र पत्रम लिखति मीन्स क्या आता है, मतलब कि सुरेंद्र राइट्स अ लेटर, सुरेंद्र पत्र लिख रहा है, सुरेंद्र राइट्स अ लेटर। सचिन, सचिन क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेस इन सचिन प्लेस, तो आप लिखोगे खेलती, खेलने को इंग्लिश संस्कृत में खेलती बोलते हैं। मनीषा सेवम सेवाम करोती, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट, एंड यू नो ना नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, दैन हियर इज मनीषा इज अ नेम, सो मनीषा इज अ नाउन। ओके नेक्स्ट, दीपक धावती, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट, यू नो ना डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, देन हियर दीपक इज रनिंग, सो धावती मीन्स होता है दौड़ना, देन धावती इज वर्ब, देन यू हैव टू राइट डी धावती। मयूरा श्रीनोती, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट, श्रीनोती। ओके तो यहाँ पे तो श्रीनोती जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे आप लिखोगे श्रीनोती। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज दिव्या डूइंग, अब आप चैप्टर में देखना तो दिव्या क्या कर रही है, दिव्या राइटिंग, दिव्या इज राइटिंग, तो आप लिखोगे राइटिंग। ओके नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द दोज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इसमें आपको करेक्ट करेक्ट ऐसा वर्ब भरना है, फिलअप करना, जिससे कि जो सेंटेंस है वो पक्का हो, अच्छा बन जाए। अब देखो सबसे पहला था गायिका गीतम, तो गानों को संस्कृत में बोलते हैं गायती, तो आप लिखोगे गायिका गीतम गायती। नृत्यकार, सेकेंड नंबर में देखो नृत्यकार रंगमंचे डांस करने को संस्कृत में नृत्यति बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर नृत्यति लिखा है। आकाशे विमानम उड्यते, आकाश में क्या उड़ रहा है, तो विमानम उड़ती एरोप्लेन। कोकिला आम्र वृक्ष से कूजती है ना, तो जो कोकिला है मीन्स कुकू है, वो कहाँ बोल रही है गा रही है, तो आम्र के मैंगो के ट्री पे, संस्कृत में आम के ट्री पे को क्या बोलेंगे, आम वृक्ष। ओके कपिला कंदुकम छिपति, तो बॉल को, ये बॉल को संस्कृत में कंदुकम बोलते हैं, तो बॉल को क्या कर रहा है कपिल, फेंक रहा है, कपिल थ्रोज बॉल, देन यू हैव टू राइट छिपति है। सीता गीता पढ़ती, तो गीता क्या पढ़ेगी, तो अब पुस्तक ऑफकोर्स बुक ही पढ़ेगी ना, देन यू हैव टू राइट हियर पुस्तकम। ओके मैं फिर से एक बार बोलते रहती हूँ, सुनो, गायिका गीतम गायती। ओके द सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, नृत्यकार रंग मंचे नृत्यति, द डांसर इज डांसिंग इन द फ्लोर, आकाश विमानम उड्यते, ओके द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, कोकिला आम वृक्षे कुंजती, द कुको इज सिंगिंग इन सिंगिंग ऑन द ट्री ऑफ मैंगो है ना, कपिला कंदुकम छिपति, कपिल इज थ्रोइंग बॉल, गीता पुस्तकम पठती, गीता गीता रीड्स अ बुक। ओके नेक्स्ट, ज्वाइन द फॉलोइंग नाउंस फ्रॉम कॉलम ए विद द वर्ब कॉलम बी, अब आपको यहाँ क्या करना है, कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है, इसके लिए आपको अपने बुक के सारे नाम्स याद करने होंगे कि किसके किसके साथ कौन सा वर्ब था। अब यहाँ देखो सबसे पहले था वेदांत, तो वेदांत क्या कर रहा था, वेदांत वॉज रीड, तो आप यहाँ लिखोगे वेदांता पठती, विमानम उड्यती, के निशा स्पीक्स, सो यू विल राइट निशा वदती, रौनका प्लीज, देन यू हैव टू राइट यहाँ इधर, यू हैव टू राइट हियर रौनका खेलती। ओके वेदांता पठती, विमानम उड्यते, निशा वदती, रौनका खेलती। ओके नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस इनटू संस्कृत, बस आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस इंग्लिश में उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। सचिना प्लेज मीन्स सचिना खेलती, वेदांता रीड्स मीन्स वेदांता पढ़ती, पढ़ने को संस्कृत में पढ़ती बोलते हैं, खेलने को संस्कृत में खेलती बोलते हैं। कपिल थ्रोज द बॉल, बॉल तो
बॉल को कंदुकम बोलते हैं, फेंकना को छिपति बोलते हैं। तो यू हैव टू राइट हियर कपिला छिपति कंदुकम। दिस इज एन एरोप्लेन पेन। तो ये विमानम के लिए हम लोग यहाँ तत् लिखेंगे, लिखोगे तत् विमानम। मीरा राइट्स अ लेटर, मीरा पत्रम लिखती। ठीक है, देखो अब क्या है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आपको संस्कृत में आंसर देना है। विवेका किम करोति, तो व्हेन यू विल सी योर लेसन ना, देन यू विल फाइंड देन विवेका विवेक सीज, देन यू हैव टू राइट विवेका पश्यति, बिकॉज इन संस्कृत पश्यति मीन्स होता है देखना। तो यू हैव टू राइट पश्यति, विवेका पश्यति। निशा किम करोति, निशा क्या कर रही है, तो निशा वदती। निशा क्या कर रही है, निशा बोल रही है, निशा वदती। कपिला किम करोति, कपिल क्या कर रहा है, कपिला छिपति, कपिल फेंक रहा है। दिव्या किम करोति, दिव्या क्या कर रही है, दिव्या लिखती, दिव्या इज राइटिंग। विमानम किम करोति, विमान क्या करता है, विमान उड़ता है, फ्लाई करता है। देन यू हैव टू राइट विमानम उड्यते। ओके, विवेक क्या करता है, मतलब विवेका पश्यति, विवेक देख रहा है। निशा किम करोति, निशा क्या कर रही है, निशा वदति मीन्स बोल रही है। कपिला किम करोति मीन्स कपिल क्या कर रहा है, कपिला छिपति मीन्स कपिल थ्रोइंग एनीथिंग। ओके, दिव्या किम करोति, दिव्या लिखती। विमानम किम करोति, विमानम उड्यते। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस जो जो संस्कृत में है ना बेटा उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखते जाना। अब देखो सचिना, सचिना एशा, सचिना बॉय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जिस तरह संस्कृत में एशा बॉय के लिए लिखते हैं, इंग्लिश में आप क्या लिखते हो, ही लिखते हो, लिखोगे ही इज सचिन। सचिना खेलते मीन सचिन प्लेज। वेदांता, ही इज वेदांत, वेदांत वेदांत वेदांता पढ़ती मीन्स वेदांत रीड्स। दिव्या, दिव्या गर्ल है, तो गर्ल के लिए देखो संस्कृत में एशा यूज हुआ है। आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, शी बोलते हो ना, शी इज दिव्या, दिव्या लिखती, दिव्या राइट्स। मीरा, शी इज मीरा, मीरा इज मीरा सिंग्स। बस खत्म, नेक्स्ट। कपिला, ही इज कपिला, एशा कपिला को, ही इज कपिला, कपिला छिपते मीन्स कपिल थ्रोज द बॉल। ओके, मयूरा, एशा मयूरा मीन्स ही इज अ मयूरा, मयूरा नृत्यति मीन्स मयूरा डांसेस। ओके, निशा, शी इज निशा, निशा वदति मीन्स निशा स्पीक्स। ओके बेटा, ये सब मैंने वीडियो में भी बार बार एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलना चाह रही हूँ, आप समझ जाना है ना बेटा। चलो बस, आपको संस्कृत के जितने भी वर्ड्स हैं ना सब लर्न कर लोगे तो इसमें हो जाएगा वर्ब। इंग्लिश में भी तो वर्ब लर्न किए ही हो ना, इसमें भी एक बार अपना वर्ब आप क्या करना, लर्न कर लेना। जैसे कि जिसमें आपके वर्कबुक में जितना सारा दिया हुआ ना, ये देखो ये रिमेंबर लिखा हुआ ना, आपके पक्का रिमेंबर कर लेना। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में मिलूंगी ना तो आपसे मैं पूछूंगी। ओके, और मैंने 10 बार बोला है कि अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आप फैब बुक में ये सारा कुछ लिखना। जब बोलना कि मैम वर्कबुक है, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, इफ यू हैव नो वर्कबुक देन यू हैव टू राइट इन फैब नोटबुक ऑनली। ओके, I am not insisting you for buying anything. Okay? You have to write in your fab book only. Okay? चलो बेटा जाऊँगा मैं, चलो बाय, टेक केयर। जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए ना सब अच्छा से फॉलो करना और अच्छा से लिखना और पढ़ कर लिखना, समझ के लिखना, आग बंद करके मत लिखना बेटा। ओके, चलो बाय बेटा, टेक